हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग किसी भी पॉलीगन्स को कैसे बनाएं उस प्रक्रिया पर आज चर्चा करेंगे, उस टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे कि पॉलीगन्स, चाहे वो पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ओक्टागन हो, नोनागन हो, या किसी भी प्रकार का पॉलीगन हो, तो हम लोग जनरल मेथड से कैसे बनाएं किसी पॉलीगन्स को, तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक स्क्वायर बनाना होगा, और स्क्वायर उसी साइज का रहेगा, चतुर्भुज उसी साइज के रहेंगे जिस साइज का हमें बेस पॉलीगन्स का दिया दे रहा हो। जैसे मान लीजिए कि बोल रहा हो कि एक पॉलीगन्स बनाइए जिसकी बेस, जिसकी एक भुजा 20 मिलीमीटर है, या 30 मिलीमीटर है, या 40 मिलीमीटर है, या 50 मिलीमीटर है। तो हमें जितना बेस उसका दिया रहेगा, उसी बेस से हमें सबसे पहले एक चतुर्भुज, एक स्क्वायर बनाना होगा इस प्रक्रिया को सीखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक बॉक्स बना लेते हैं, क्योंकि ये जनरल मेथड है किसी भी पॉलीगन्स को बनाने का, और स्क्वायर का साइज़ हम वही रखेंगे जितना पॉलीगन्स के बेस का साइज़ है। तो अगर मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर 40 mm ले लिया, यहाँ पर हमने एक 40 mm का स्क्वायर लिया, तो इसको अब क्या करना है, हमें एक स्क्वायर बनाना होगा। चाहे बेस कितना हो गया इसका, 40 mm में हो गया, तो हमें इसके स्क्वायर को बनाना होगा। तो हम चलिए इसके स्क्वायर को बना लेते हैं। तो हमने अगर बेस 40 लिया, तो ऊपर भी हमें कितना चलना होगा, 40 mm चलेंगे, तो 10, 20, 30, 10, 20, 30, और ये 40 हो गया मेरा, ये 40 हो गया। इसको स्लाइड करके ले जाएंगे आगे, तो ये 10, 20, 30, और ये मेरा 40 हो गया। ठीक उसी तरीके से इसको रेफरेंस मान करके हम क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन ले जाएंगे, तो ये मेरा 40x40 का एक स्क्वायर बन गया दोस्तों। तो अब इसका क्या करेंगे, हम लोग इसकी एक नेमिंग कर लेते हैं, ए बी, और ये सी, और ये मेरा डी। दोस्तों, इसके बाद क्या करना होता है, जैसे ही हम स्क्वायर बना लेते हैं, तो इसके बाद ए और सी को हमें मिला देना होता है। तो चलिए हम लोग ए और सी को मिला देते हैं। तो ए और सी को मिलाने के लिए, यहाँ देखिए सी पर हमने रखा, और ए पर हमने इस लाइन को इस तरीके से मिला दिया। अब क्या करना होगा दोस्तों, हमें यहाँ पर एक कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। कंपास में हम क्या करेंगे, ए और बी की दूरी भरेंगे, किसकी दूरी भरेंगे, ए और बी की दूरी भरेंगे, और ये मेरा ए और बी है। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं ए और बी की दूरी, ये एग्जैक्ट मेरा ए और बी की दूरी हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, यहाँ बी पर रख करके, यहाँ बी पर रख करके हमें ए से एक आर्क लगाना होगा। तो चलिए हम ए से आर्क लगाएंगे, और ये सी को मिलेगा दोस्तों। देख लीजिए, हमने बी पर रखा, ए से बी की दूरी भरी, बी पर रख के ए और सी पर एक आर्क लगा लिया, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है कि ये जो मेरा ए और बी है, वो कितना एमएम था, 40 mm था। अब हमें इस ए और बी को बाइसेक्ट करना होगा, मतलब बराबर भागों में बांटना होगा, समद्विभाजित करना होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम आधे से कम दूरी लेकर के एक आर्क यहाँ लगा देंगे, और एक आर्क यहाँ लगा देंगे। बी पर रख के हमने काम किया, ठीक उसी तरीके से ए पर रख करके एक आर्क यहाँ लगा देंगे, और एक आर्क यहाँ लगा देंगे। जब ये हो जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे, जिससे ए और बी मेरा बाइसेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने बांट लिया। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, कि यहाँ देखिए, ये जो हमने अभी एक परपेंडिकुलर लाइन लिया हुआ है, वो ए और सी से इंटरसेक्ट हुआ है, कटा है। तो इस पॉइंट को हम लोग चार का नाम दे देंगे, क्या नाम देंगे, चार। और ये जो अभी हमने एक आर्क लिया था, इसे हम लोग 6 का नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे, पहले में 4 देंगे और दूसरे में 6 दे देंगे। अब क्या करना है दोस्तों, कि हमें 4 पर रख करके, ये 4 पर रखना है, और एक आर्क यहाँ पर हमें ऐसे लगा लेना है, फिर 6 पर रख करके, इस आर्क का कोई साइज नहीं लेना है कि सर कंपास में कितना साइज लेंगे, नहीं, इसको जो है हम लोग बाइसेक्ट कर रहे हैं, समझ लीजिए। तो आधे से कम दूरी रख करके हम लोग क्या करते हैं, इसकी बाइसेक्शनिंग कर लेते हैं। तो यहाँ जो अभी हमें मिला, ये दोनों इसको मिला देंगे, तो ये हमें 6 मिल, ये
चार ये पाँच हो जाएगा, ये मेरा क्या हो गया चार, ये पाँच, ये छः। ठीक उसी तरीके से दोस्तों अब चार पर रखेंगे, चार पर रखेंगे और चार पर रखा और पाँच की दूरी भरा, तो चार से पाँच मिला, पाँच से छः मिला, छः से हमें क्या मिल जाएगा सात मिल जाएगा, सात से आठ मिल जाएगा, आठ से नौ, नौ से दस। अब किसी भी पॉलीगन्स को बनाना हो, चाहे वो उसका साइड पाँच पाँच साइड हो, छः साइड हो, सात साइड हो, आठ साइड हो, नौ साइड हो या दस साइड्स हो, तो हम इसी तरीके से बढ़ाते चले जाएंगे, गोया के तेरह साइड से या बारह साइड से क्यों ना हो, तो हम इस तरीके से। तो अभी ये मेरा चार पाँच छः, ये कितना हो गया सात, ये कितना आठ, ये कितना नौ, ये कितना दस। तो अभी हम इस मेथड से हम लोग उस पॉलीगन्स को भी बना सकते हैं जिस पॉलीगन्स के सभी साइड्स को मिला करके दस साइड्स पूरते हैं, या पॉलीगन्स के नौ साइड हैं, या पॉलीगन के आठ साइड हैं, या पॉलीगन के सात या छः या पाँच या चार। तो अब मान लीजिए कि ये मेरा तैयार हो गया, तो अब हमें क्या करना होता है कि अगर हमें पेंटागन बनाना होगा, अगर हमें पेंटागन बनाना होगा तो हम कहाँ रखेंगे पाँच पर रखेंगे, अपने कंपास को कहाँ पर रखेंगे दोस्तों यहाँ पाँच पर रखेंगे। तो आइए हम लोग पेंटागन बना करके देखते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ हम कहाँ रखेंगे ये पाँच पर रखेंगे, कंपास के इस पॉइंट को हम लोग कहाँ रखेंगे पेंटागन बना रहे हैं तो पाँच पर रखेंगे, तो ये मेरा पाँच हो गया, ये पाँचवा पॉइंट है ये मेरा। इस पाँच पर हमने इस पॉइंट को रखा और ए की दूरी ले लिया, कितनी दूरी ले लिया ए की दूरी, पाँच पर रखा ए की दूरी लिया। अब यहाँ से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए तो इस तरीके से हम लोग जब सर्कल ड्रॉ कर लेंगे तब हम क्या करेंगे कि हमने पाँच पर रखा ए की दूरी से एक सर्कल को तैयार किया, अब ए से बी की दूरी ले लेंगे, कितना ले लेंगे ए से बी की दूरी ले लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर रखेंगे बी पर और एक कट लगा देंगे यहाँ पर, हमने यहाँ रखा एक कट यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया और एक यहाँ मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करना है, हमें एक बेस तो प्राप्त हुआ ही हुआ है, अब हमें बी से एक यहाँ पर मिला देना है, तो ये मेरा ऐसे मिल गया। ठीक उसी तरीके से जहाँ जहाँ कट प्राप्त हुआ था हमें उसको मिला देना है। यहाँ से हम क्या करेंगे फिर इस वाले को मिला देंगे और फिर इसको मिला देंगे, तो ये हमें पेंटागन बन गया। अब अगर मान लीजिए हेक्सागन बनाना है तो क्या करना होगा, हेक्सागन में कितने साइड्स होते हैं हमें मालूम है, छः साइड्स होते हैं। आइए हम इसके पेंसिल को बदल करके आपको दिखा देते हैं। तो हेक्सागन में हमने कितने साइड्स को जाना है कि है छः साइड्स होते हैं, तो छः साइड्स है, तो अभी हमें कंपास का पॉइंट कहाँ रखना होगा, हमने पेंटागन पर बनाने के लिए पाँच पर रखा, तो हेक्सागन बनाने के लिए कहाँ रखेंगे छः पर रखेंगे, तो चलिए हमने यहाँ छः पर रखा और छः से ए की दूरी भरा, ये छः से ए की दूरी भरा और एक सर्कल ले लिया, तो चलिए हम लोग एक सर्कल ले लेते हैं, छः से ए की दूरी भरे सर्कल लिए, फिर क्या करेंगे ए पर रखेंगे और बी पर रखेंगे, ए पर रखेंगे और ए और बी पर रखेंगे, फिर यहाँ से उस लाल वाले को आर्क लगाते हुए चलना है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर यहाँ भी, फिर यहाँ से यहाँ भी और यहाँ से, तो ये मिल ही जाएगा। तो चलिए दूसरा अब हम लोग बना ही लेते हैं, ये हो गया तो एक यहाँ मिल गया, एक दोस्तों ये है तो ये इससे मिल जाएगा, फिर यहाँ से एक यहाँ है तो इसको मिला देंगे दोस्तों, फिर यहाँ से एक यहाँ है तो इसको भी मिला देंगे दोस्तों, और फाइनली इसको इससे मिला देंगे। तो अब देखिए मेरे कितने साइड्स हो गए, एक दो तीन चार पाँच और ये छः, पेंटागन में देखेंगे एक दो तीन चार पाँच। ठीक उसी तरीके से दोस्तों आपको जितनी भी बनानी है उसी तरीके से आप बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए अभी छः मेरा था तो छः हेक्सागन बना लिया, सात अगर हेप्टागन बोलेगा तो सात पर रखेंगे, ओक्टागन बोलेगा तो आठ पर रखेंगे, नोनागन बोलेगा तो नौ पर रखेंगे। ठीक उसी तरीके से हमें जितने साइड्स का पॉलीगन बोलेगा हम उसी तरीके से उस साइड्स को बढ़ाते रहेंगे। तो ये एक तरीका है जिसे हम लोगों ने कहा कि यह एक जनरल मेथड है किसी भी पॉलीगन्स को बनाने का। तो दोस्तों ये वीडियो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए
हेल्पफुल भी रहा होगा। और आपको दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही रिलेटेड वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अक्सर डालता हूँ, जिससे आपको सीखने को मिल सकता है। तो इस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू दोस्तों।